हेलो गाइज, मैं हूँ अभव और इस स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल के दौर में हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। अगर कोई प्रोडक्ट ऑफलाइन में नहीं मिल रही, मतलब हमारे लोकल स्टोर पे अगर नहीं मिलती, तो हम डायरेक्टली हमारा फ़ोन ओपन करके वहाँ अमेजोन, फ्लिपकार्ट की जैसे वेबसाइट, अन्य कई बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना ईजी हो जाता है और वहाँ से हम शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने से हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलते हैं, जिससे हमें इजीली रिप्लेस और रिटर्न हो जाता है और काफ़ी प्राइस में भी डिफरेंस होता है। हमें बहुत सस्ते रेट में, बहुत सस्ते दाम में हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और ऑनलाइन के स्टोर पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। इसलिए हर कोई लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ही पसंद कर रहा है। दोस्तों, जो कुछ भी हम शॉपिंग करते हैं उसकी ट्रांजेक्शन हम डोमेस्टिक करेंसी में ही करते हैं, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं। दोस्तों, जब आपको पेमेंट करने की बारी आती है तब आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट्स, तो इतने सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद जब आप पेमेंट करते हो तो इंडियन रुपीस में ही आपके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट डेबिट होती है, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट आपको बेच रहा है, जो सेलर है, उसे भी इंडियन रुपीस में ही पैसे मिलते हैं। तो ये है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। दोस्तों, जब आप डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन करते हो तो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन पर आपने कभी भी ऐसा देखा है क्या कि 10,000 रुपीस का आपने प्रोडक्ट परचेस कर लिया और अकाउंट से 10,000 रुपीस कटने के बजाय ज़्यादा पैसे कटे? ऐसा हुआ क्या कभी? बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि ये डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन पे जो वैल्यू होती है, वैल्यू के ऊपर एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं लगता। पर हाँ, अगर आप ईएमआई मोड सेलेक्ट करते हो तो ईएमआई पर बैंक का इंटरेस्ट ऐड होकर आपके बैंक अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे कटते हैं, क्योंकि वन टाइम पेमेंट करके आप सेटलमेंट नहीं कर रहे हो। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, ऐसे पीरियड में आप जो कुछ भी है पेमेंट वो डिवाइड करके थोड़ा 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 आप दे रहे हो, इसलिए वो इंटरेस्ट कॉस्ट आपको इम्प्लाई होती है। दोस्तों, दिक्कत तब आती है जब आप इंडियन वेबसाइट को छोड़कर दूसरे कंट्री की जो वेबसाइट होती है वहाँ से आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना होता है। समझ लो कि आपको एक प्रोडक्ट चाहिए और वो इंडियन वेबसाइट पर अवेलेबल ही नहीं है, मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे किसी भी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, पर वो प्रोडक्ट दूसरे कंट्री के वेबसाइट पर लिस्टेड है, तो वहाँ आपको दूसरे कंट्री की जो करेंसी है उस कंट्री के करेंसी में आपको पेमेंट करना होता है। आपको वहाँ ईएमआई का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं मिलेगी, और काफ़ी बाकी सारे ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ कुछ वैलेट्स होते हैं, पेपल, पायोनियर जैसे, और आपके जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है उसी से आपको काम चलाना पड़ता है। तो बैंक आपसे चार्ज करती है, वो कितना करती है, क्यों करती है, ये सारे डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा ताकि आपको सारी चीज़ें आराम से समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Arable Life, follow your spark। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो हमारी करेंसी में ही होता है, और हम जो सेलर है और जो पेयर है, मतलब परचेसर और सेलर दोनों की करेंसी सेम होने की वजह से सेटलमेंट करने के लिए कुछ भी वक्त नहीं होता, कुछ सेकंड में वो आराम से सेटल हो जाता है। पर दिक्कत आती है जब हमारा ट्रांजेक्शन किसी दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ होता है। समझ लो, आप पेमेंट कर रहे हो इंडियन रुपीज में और जो वेंडर है, जो सेलर है, वो ले रहा है यूएस डॉलर में, तो ये जो कन्वर्जन, जो करेंसी का कन्वर्जन जो है उस पर जो रेट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के रेट जो होते हैं फॉरेक्स के, वो फॉरेक्स का इस पर असर होता है, और ऊपर ज़्यादा नीचे होने की वजह से बैंक वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, इसे सेटल होने के लिए 2-4 दिन का वक्त होता है, और 2-4 दिन में जो कुछ भी प्राइसेस में नीचे गिरावट या फिर बढ़ोतरी हो जाती है उसमें बैंकों को कुछ रिस्क हो जाती है, और उस रिस्क को कॉम्पेंसेट करने के लिए बैंक्स हमसे ज़्यादा चार्ज लेते हैं, और उसे मार्कअप फी कहा जाता है, और उस मार्कअप फी पर GST भी एप्लीकेबल होता है। अभी फिलहाल इंडिया में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर 18% का GST एप्लीकेबल है, और मार्कअप फी जो होती है वो हमारी बैंक हमसे चार्ज करती है, वो अराउंड 2% to 4% के बीच में रहती है, पर मोस्ट ऑफ द कार्ड्स का 3.5% यही रेट होता है। तो इसे समझने के लिए हमें एक एग्जांपल देखेंगे। आपको एक प्रोडक्ट अच्छा लगा पर वो प्रोडक्ट है US के वेबसाइट पर, और वहाँ वो चार्ज कर रहा है $133.33, मतलब $133.33 आपको पेमेंट करना है, तो वो इंक्लूडिंग टैक्सेस है आपको, मतलब आप जो भी पेमेंट करोगे वो $133.33 का ही करोगे। तो आपने कार्ड के डिटेल्स एंटर कर दिए और US to India का जो कन्वर्जन रेट है
75 rupees इज इक्वल टू $1 का है, मतलब $1 को परचेस करने के लिए आपको 75 rupees देना पड़ता है। 133.33 इंटू 75 rupees का मल्टीप्लीकेशन होकर 10,000 rupees आपके बैंक अकाउंट से कटते हैं, मतलब डेबिट होते हैं। जैसे ही आप वहां क्रेडिट या डेबिट कार्ड के डिटेल्स एंटर करके पेमेंट का बटन दबा देते हो, वैसे ही बैंक अकाउंट से 10,000 rupees डेबिट हो जाते हैं और वहाँ सक्सेसफुली पेमेंट हो जाता है। 10,000 rupees की अभी एंट्री नहीं दिखेगी पर 10,000 rupees डेबिट हो जाएंगे आपके अकाउंट से, मतलब जैसे ही आप पेमेंट करते हो वैसे आपके अकाउंट में 10,000 डेबिटेड फॉर दिस ऐसे नहीं दिखाएगा, वो 2-3 दिन के बाद में वहाँ एंट्री दिखेगी, इंस्टेंटली नहीं दिखती। यह इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का एक हिस्सा है, ये भाग है, ये प्रोसेस है। 2-4 दिन के बाद जब आप चेक करोगे तब आपको ये नोटिस होगा कि 10,000 rupees से ज़्यादा 413 rupees आपको चार्ज हुए हैं। तो देखिए 10,000 rupees पर 3.5% का जब आप कैलकुलेशन करते हो तब 350 rupees आपको मार्कअप फी है। जो आपसे GST लिया जा रहा है वो GST आपके होल अमाउंट पर नहीं लगता, मतलब 10,350 rupees पे नहीं लगता, वो सिर्फ और सिर्फ लगता है 350 rupees पर, क्योंकि ये जो अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है वो चार्ज किया है बैंक ने, तो बैंक का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। इंडिया में बैंकिंग प्रोडक्ट पर 18% का GST एप्लीकेबल है, तो 350 rupees पर 18% का जब आप GST कैलकुलेट करते हो तो वो होता है 63 rupees। तो टोटल कुल मिलाकर जो आपके बैंक अकाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट डेबिट हुई है वो है 413 rupees, 413 रुपये आपके अकाउंट से एक्स्ट्रा कटे हुए हैं। तो इसके ऊपर अल्टरनेटिव क्या है? तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों पर ये ऐसा चार्ज लगता है, पर अगर आप सेलेक्ट करते हो दूसरे वैलेट्स जैसे पेपल, पायोनियर वगैरह, जब आप पेमेंट करते हो वहाँ भी ये चार्ज एप्लीकेबल होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ उल्टा ज़्यादा आपको पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि पेपल, पायोनियर जैसे जो वेबसाइट होती है वो आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है एज अ कमीशन, तो वो हिडन होता है, वो क्लियरली नहीं बताते कि ये हमारा कमीशन है, पर वो डायरेक्टली इतना अमाउंट आपको चार्ज होता है ये आपको देना पड़ेगा, ऐसा वो डायरेक्टली वो बोलते हैं, तो उनका भी कमीशन यहाँ आपको देना पड़ता है। इसीलिए बेटर रहता है कि आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप पेमेंट करो। और थर्ड ऑप्शन है आपके पास, न्यू टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन, वो है क्रिप्टो करेंसी का, पर सारे वेबसाइट्स पर क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेबल नहीं होती। और देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी के वैलेट में ऐड करना और विड्रॉ करना या किसी और वेबसाइट पर पेमेंट करना, यहाँ भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, और ऊपर से क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस में जो ऊपर नीचे होते हैं वो तो रिस्क अलग है। तो इसीलिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन आपके पास बचता है डेबिट या क्रेडिट कार्ड का ही, तो डायरेक्टली आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करना होगा। और अभी आते हैं हम अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स पर, जो कि आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मोड आपको डिसेबल करके रखना है, और तभी इनेबल करना है जब आपको उसकी ज़रूरत होती है, जब आपको इंटरनेशनल पेमेंट करना होता है तभी कीजिए। यह मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप अगर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करते हो, कार्ड नंबर वगैरह सारा डिटेल्स एंटर करने के बाद जब आप पेमेंट का बटन क्लिक करते हो तब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, और वो OTP एंटर करने पर ही वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ जब आप पेमेंट का सारा डिटेल्स एंटर कर देते हो, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स, मतलब क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, जब आप ये तीनों डिटेल्स एंटर करते हो और पेमेंट का बटन दबा देते हो, आपको कोई भी OTP बिल्कुल नहीं आएगा, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क है, अगर आपको ज़्यादा पता नहीं है तो आपके लिए काफ़ी 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 रिस्की हो जाता है। एक बार पैसे कटने के बाद में आप कितना भी झगड़ लो, बहुत आपका टाइम जाने वाला है, पैसे आएंगे या नहीं वो अलग बात है, पर फ्रॉड अगर आपके साथ होता है तो आपको मेंटली बहुत बहुत हैरेसमेंट हो जाती है। तो ये चीज़ से आपको बचना है, आपको कम्प्लीटली इसे टर्न ऑफ करना है, डिसेबल करना है, और जब भी आपको ज़रूरत होती है तभी आप इसे ऑन कर सकते हो। अगर आपको इस बारे में जानकारी चाहिए तो आपका कार्ड जिस कंपनी का है, समझ लो SBI का है, कोटक महिंद्रा बैंक का है, तो उस बैंक को कॉन्टैक्ट करके सपोर्ट से आप ये सारी चीज़ें आप उनसे समझ लो, जान लो, और ये ऑन कैसे करना है, ऑफ़ कैसे करना है,
कैसे कैसे हम कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप समझ सकते हो और वहाँ से समझ लो, किसी पेपर पर भी लिख लो कि क्या क्या स्टेप्स है जिसे टर्न ऑफ करना है या टर्न ऑन करना है। तो ये हो गया टिप नंबर वन। दोस्तों, शॉपिंग करते वक्त हमारा काफ़ी बार प्राइस कंसर्न होता है, मतलब हमें अगर कोई प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट दूसरे वेबसाइट पर सस्ता मिल रहा है तो हम वहीं से परचेस करना हम प्रिफर करते हैं। पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के केस में हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है कि एग्जैक्टली कितना चार्ज हो रहा है। सारे चार्जेस और फीस को कंसिडर करके ही हम किसी पॉइंट पर आ सकते हैं, किसी कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से वेबसाइट पर हमें प्रोडक्ट परचेस करना है। स्पेशली हमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है जब हम कोई प्रोडक्ट फिजिकली ऑर्डर करते हैं दूसरे कंट्री से। तो देखिए, क्यों हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये मार्कअप फी तो लगती है, उसके साथ ही साथ हम जब प्रोडक्ट फिजिकली इंडिया में लाते हैं तब हमें कस्टम ड्यूटी भी लगती है। तो कस्टम ड्यूटी का रेट एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, परचेस टू परचेस, मतलब आप ट्रायल में ले रहे हो या फिर सेल कर, मतलब परचेस कर रहे हो, ये सारी चीज़ों पर उस कस्टम ड्यूटी का चार्जेस वो एप्लीकेबल होता है। तो वो एग्जैक्टली कितना है वो नहीं बता सकते। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे 40% का कस्टम ड्यूटी लगा था। ये सारी चीज़ें आप ऑर्डर डालने से पहले ही आपको जाननी चाहिए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो ये था टिप नंबर टू। तो अभी आते हैं हम टिप नंबर थ्री पर। आप जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो तो वो सेटल होने के लिए 2 से 4 दिन का समय लगता है, कभी कभी ज़्यादा भी लग सकता है, 1 वीक का भी लग सकता है, पर ये 22ly इतने दिन में वो ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट हो जाता है। तो उसके कंपैरिजन में आपके अकाउंट से जो रुपीज़ है वो रुपीज़ कटते हैं इमीडिएटली, पर उसके ऊपर जो लगने वाले चार्जेस है, जो GST है, जिस टाइम पे ये ट्रांजेक्शन सेटल होगा उसी दिन आपके अकाउंट से वो भी चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।